वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड के बारे में। अनपैक करेंगे, जानेंगे उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, कैसा ये क्रेडिट कार्ड है, किन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड है और मुझे क्या लिमिट मिली है। सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टैग धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये मेरा एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड जिसको मैं आज अनपैक करने वाला हूँ और देखने वाले इसमें क्या क्या आपको इसमें बीच अंदर देखने को मिलता है। पीछे से मैंने पैकिंग ऑलरेडी ओपन कर रखी है। अब इसको हम इसमें से जो भी आपको पेपर मिलेगा वो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, बाद में करते हैं इसमें डिस्कस। देखो यहाँ पर फ्रंट पेज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है आपकी क्रेडिट लिमिट और साइड में दिखेगा आपको एड्रेस। और मैंने एड्रेस इसलिए आपको छुपा दिया है कि क्या पता आप मुझे मिठाई भेज दो, तो इसलिए मैंने एड्रेस छुपा दिया है। अगर हम बात करें तो मेरे क्रेडिट लिमिट की तो वो 1,30,000 मिली है। बात करें इसमें, ये क्रेडिट कार्ड है माई जोन क्रेडिट कार्ड, वीज़ा द्वारा पावर्ड एक क्रेडिट कार्ड है और इसमें देखेंगे तो वाईफाई ट्रांजेक्शन इसमें अवेलेबल आपको मिलेगा। साथ ही साथ ऊपर देखेंगे तो एक्सिस बैंक का लोगो है, साइड में लिखा हुआ है माई जोन क्रेडिट कार्ड और इसको बैक साइड में आपका CV देखने को मिलेगा। प्लास्टिक की बात करें तो नॉर्मल प्लास्टिक होती है जो कि एक क्रेडिट कार्ड में आपको दी जाती है। सारे ये जो इसमें बेनिफिट्स हैं जो आपको इसमें दिखाए गए हैं इन्हें मैंने कवर कर दिया है आगे आने वाले वीडियो में फुल डिटेल से, ठीक है। तो अब इसके बैक साइड में चलते हैं। इसमें हम 20% ऑफ देखने को मिलता है एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंटों पर। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और इनके माध्यम से आप इस कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर जो सुविधाएँ अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बैक कॉन्टैक्टलेस फीचर्स और कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, रीइश्यू कर सकते हैं, यह सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मोबाइल बैंकिंग में इस कार्ड की डिटेल्स आप कहाँ देख सकते हैं, नेट बैंकिंग में कहाँ देख सकते हैं और फ़ोन बैंकिंग में आप जाके कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिलती हैं। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले पेज की तो यहाँ पर भी आपको यही सारी डिटेल दी जाती है। स्टार्टिंग में जब आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें ऑन करनी होंगी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंदर जाके ऑन करने होंगे और आपको अपने कार्ड की लिमिट आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। कार्ड पर आपको देखने को मिलता है 40% ऑफ ऑन स्वेगी पर। अगर आप स्वेगी पर अगर किसी प्रकार का ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर, तो आपको उस पर 40% ऑफ मिलने वाला है एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और इसमें अगर आपका हाईएस्ट आपको 120 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा और मंथ में केवल 4 ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं स्वेगी से, जिसपे आपको 40% ऑफ इस कार्ड के द्वारा मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड पर मिलता है सोनी टीवी का सब्सक्रिप्शन, जो कि अगर आप अपने कार्ड का एनुअल फीस पेमेंट करते हैं तभी आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है तो आपको ये सोनी टीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ईयर में भी अगर अपने कार्ड की एनुअल फीस पेमेंट करते हैं तभी आपका ये रिन्यूअल होगा। अगर आपने अपनी जो फीस है आप पे नहीं करी है तो ये सब्सक्रिप्शन आपको नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड से अगर आप पेटीएम से मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा। उस कूपन कोड को एक मंथ में एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट 200 रुपये का एक मूवी टिकट आपको फ्री मिल जाएगा, एक के साथ एक फ्री मूवी टिकट मिलेगा, वो भी 200 रुपये का, और वो मंथ में एक ही मिलेगा। उसके लिए भी आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस कार्ड से आप शॉपिंग करते हैं AJIO पर, अगर आप परचेज कर रहे हैं 2000 से ऊपर और उसमें आप कूपन कोड अप्लाई कर रहे हैं Rs.60, तो आपको 600 रुपये तक का ऑफ इस कार्ड के माध्यम से आपको AJIO पर मिल जाएगा। पर आपकी टर्म्स कंडीशन ये होनी चाहिए कि 2000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए, तभी आपको ये 600 रुपये तक का ऑफ मिल पाएगा इस पर। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको मिलते हैं 4 लॉन्ज एक्सेस, जो कि एयरपोर्ट पर आप हर क्वार्टर में एक के लॉन्ज एक्सेस को आप यूज ले सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। फ्यूल सरचार्ज की इस कार्ड पर अगर हम बात करें तो आपका एक सिंगल ट्रांजेक्शन 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में है तभी आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर 400 से नीचे का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ नहीं मिलेगा।
एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम इस कार्ड पर बात करें तो जो कार्ड होल्डर है उसकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ऐड ऑन कार्ड किसी को दे रहे हैं तो उसकी एज 15 साल होनी चाहिए, इंडिया का निवासी होने चाहिए। इसके अलावा इस कार्ड पे लिए आपको इनकम प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंट प्रूफ, और इसके अलावा इसका आपका आइडेंटी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराएंगे तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो इस कार्ड पर 500 रुपये प्लस GST होगी। ज्वाइन फीस और आपकी एनुअल फीस दोनों ही सेम होती हैं, और जब आप ज्वाइनिंग फीस पे करेंगे तभी आपको सोनी टीवी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस कार्ड का पेमेंट अगर आप कैश से करते हैं तो आपको 100 रुपये कैश पेमेंट फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ आपको लेट पेमेंट चार्ज, ओवरड्यू चार्ज और 3.5% के आसपास फॉरेन करेंसी मेकअप फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे चार्जेज आपको जिस तरीके के सभी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्डों में रहते हैं वो सारे चार्ज आपको इसमें पे करने पड़ेंगे। रिवार्ड पॉइंटों की इस कार्ड पर अगर हम बात करें तो आपको 4 EDG रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप इस कार्ड से 200 रुपये स्पेंड करते हैं, और इन रिवार्ड पॉइंटों को आप वाउचर में कन्वर्ट करा के इनको चेकआउट कर सकते हैं। एक साल के भीतर इस कार्ड से आप 15,500 रुपये तक का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो ये क्रेडिट कार्ड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है। अगर आप फूड ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो इस कार्ड को ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप बिगनर हैं तो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने का नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप जाएंगे इसके axisbank.com पर और वहाँ जाके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कुछ एडिशनली इसमें कहीं से साइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि आपके इंतज़ार में इधर से उधर भटक रही हैं।